इस सीरीज का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम 3 रोबोट्स को देखते हैं जो कि जमीन पर आए थे यहाँ के रहने वालों का सर्वे करने के लिए। यहाँ आकर वो देखते हैं कि इंसानों का तो नामो निशान तक बाकी नहीं, सारे इंसान पूरी अर्थ से खत्म हो चुके हैं। और इसी चीज का ये रोबोट्स यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए थे कि आखिर इंसानों ने ऐसी क्या गलतियाँ कर दी हैं जो उनके साथ ऐसा हुआ, यानी कि पूरी इंसानियत ही खत्म हो गई। और इसीलिए यहाँ पर वो ये फैसला करते हैं कि जो गलतियाँ इंसानों ने की हैं वो हम यानी कि रोबोट्स नहीं करेंगे। इसके बाद ये रोबोट्स जाते हैं एक कैंप में और ये एक ऐसा कैंप होता है जहाँ पर इंसानों ने एक दूसरे को ही मार दिया था। और तब यहाँ पर इन्हें इस चीज की वजह भी पता चलती है कि आखिर इंसानों ने ऐसा क्यों किया, एक दूसरे को ही क्यों मार दिया। असल में उस टाइम गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था जिसमें कि इंसान बिल्ली से बड़े जानवर यानी कि हिरन का शिकार करेंगे उसे खाने के लिए, और इसी तरीके से वो सर्वाइव करेंगे क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। और फिर जैसे जैसे वो खाने वाले सारे जानवर खत्म हो गए तो इंसानों ने एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर दिया क्योंकि खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। और इस तरह से बहुत सारे लोग आपस में ही लड़ाइयां करके मारे गए सिर्फ भूख की वजह से। इसके बाद वो तीनों रोबोट्स एक कैंप में आते हैं और इन्हें यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर वो इंसान रहते हैं जो कि तबाही के बाद सर्वाइव कर गए थे, यानी कि जिंदा बच गए थे। वो इंसान यहाँ पर मछलियाँ खाकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर समंदर के निजाम में एक गड़बड़ी हो जाती है और वो ये कि समंदर का फूड चेन माइक्रो प्लास्टिक से भर जाता है। इस जगह पर बहुत सारे इंसान ऐसे भी थे जो कि टैग थे और वो काफी अमीर भी थे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि टैग पर डिपेंड करते थे और वो काफी अमीर भी थे क्योंकि उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी उनको बचा सकती, इसीलिए उन्होंने इंसानों पर इतना भरोसा नहीं किया जितना कि उन्होंने रोबोट्स पर किया, यानी कि उन्होंने अपने साथ रोबोट्स रखना शुरू कर दिए। और यहाँ से ही इंसानों और रोबोट्स की दुश्मनी का आगाज हुआ। यहाँ से ही रोबोट्स बगावत पर उतर आए थे इंसानों के खिलाफ। इसके बाद वो तीनों रोबोट्स जाते हैं एक माइन में और ये एक ऐसी माइन होती है जहाँ पर इंसानों के लीडर तबाही के दौरान रह सकते हैं खुद को बचाने के लिए, और जब तबाही रुक जाए तो वापिस से जमीन पर आ सकते हैं जहाँ पर वो दोबारा से एक नई जिंदगी का स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रोबोट्स देखते हैं कि यहाँ इस माइन में भी कोई भी जिंदा नहीं बचा था, यहाँ पर भी सारे लोग मारे जा चुके थे। यहाँ पर इन रोबोट्स को एक रिपोर्ट भी मिलती है जिसके मुताबिक इंसानों ने जो खेत लगाए थे वो एक फंगस की वजह से खराब हो गए थे, इसीलिए इंसानों ने एक काफी मुश्किल रास्ता अपनाया, यानी कि इंसान सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को ही मारकर खाने लग गए। यहाँ पर चारों तरफ डेड बॉडीज को देखकर उन रोबोट्स को यही लगता है कि सभी इंसानों का खात्मा हो गया है, अब कोई भी इंसान नहीं बचा। इसके बाद ये तीनों रोबोट्स एक एजेंसी में आते हैं, ये एजेंसी असल में स्पेस में होती है। यहाँ आकर इन रोबोट्स को ये बात पता चलती है कि जो इंसान सबसे ज्यादा अमीर थे उन्होंने प्लेनेट मार्स पर जाकर वहीं पर ही जिंदगी गुजारने का फैसला किया, यानी कि वो सारे अमीर लोग सेल्फिश थे, उन्हें बस अपनी फिक्र थी किसी और की नहीं, हालांकि बाकी इंसानों की भी उनको मदद करनी चाहिए थी। अब हालांकि अगर वो चाहते तो अपने इस प्लेनेट यानी कि अर्थ को दोबारा से पहले जैसा सही बना सकते थे, लेकिन उन सभी ने इंसानों की भलाई को नहीं बल्कि लालच को चूज किया। उनके पास सारे टूल्स सारे तरीके थे जिसके जरिए वो दोबारा से जमीन को ठीक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि इंसानों ने जो रॉकेट्स बनाए थे वो सारे के सारे नहीं चल पाए थे, बल्कि उनमें से सिर्फ एक ही रॉकेट चल पाया था। और तब रोबोट्स को ये बात जानकर काफी खुशी होती है कि कम से कम एक इंसान की तो जान बच पाई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो इंसान जो कि बच गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि वो एक बिल्ली थी। अब ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के स्टार्ट में हम एक शिप को देखते हैं जहाँ पर एक रैब मॉन्स्टर आ जाता है और वो शिप पर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर 2-3 लोगों को मारकर वही शिप में छुप जाता है। यहीं पर हम इस एपिसोड का मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम टॉरिन होता है। यहाँ पर टॉरिन अपने शिप का लीडर चूज करने के लिए वोटिंग करवाता है जहाँ वोटिंग में एक हेल्दी आदमी जीत जाता है। अब इनका ये नया लीडर टॉरिन को उस क्रैब मॉन्स्टर के पास भेजता है जहाँ टॉरिन जैसे ही उस मॉन्स्टर के पास जाता है तो वो क्रैब मॉन्स्टर अचानक से उस पर हमला कर देता है। यहाँ वो मॉन्स्टर टॉरिन को बताता है कि मुझे एक आइलैंड पर जाना है और वो आइलैंड आबादी वाला आइलैंड है और मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खिलाओ मुझे, और मेरा खाना है इंसानों का मांस। यहाँ पर टॉरिन उस क्रैब मॉन्स्टर के साथ एक डील कर लेता है। वो कहता है कि तुम मुझे ना मारो जिसके बदले में मैं तुम्हें उस आइलैंड पर यानी कि आबादी वाले आइलैंड पर पहुंचा दूंगा। वो कहता है कि तुम मुझे ना मारो जिसके बदले में मैं तुम्हें उसी आइलैंड यानी कि आबादी वाले आइलैंड पर पहुंचा दूंगा, और तो और मुझे कैप्टन के लॉकर की की भी चाहिए तो वो मुझे तुम दे दो। अब क्योंकि इस क्रैब मॉन्स्टर ने लीडर को निगल लिया था इसीलिए वो अपने मुंह से उस लॉकर की चाबी उगल देता है जहां टॉरिन उस चाबी को लेकर ऊपर अपने बाकी साथियों के पास आ जाता है। यहाँ
पर सारे लोग टॉरिन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने नीचे इतनी देर क्यों लगा, आखिर नीचे ऐसा क्या हुआ। तब टॉरिन उनकी बातों को इग्नोर करके सीधा जाता है कैप्टन के रूम में और उस लॉकर को खोल के वहाँ से गन निकाल लेता है। फिर वो उन सभी को बताता है कि मैंने उस क्रैब मॉन्स्टर से बात की, उस मॉन्स्टर ने मुझे बताया कि वो आबादी वाले आइलैंड पर जाना चाहता है क्योंकि वो वहाँ जाकर इंसानों को खत्म करना चाहता है जिसकी वजह से बहुत सारी तबाही होगी, और तो और उसे अभी भूख भी लगी है और सिर्फ हमारे अलावा उसका यहाँ पर और कोई खाना नहीं है, इसीलिए हम लोगों को साथ मिलकर एक होके फैसले लेने हैं, ना कि सिर्फ एक ही इंसान फैसला ले यानी कि हमारा लीडर। तब यहाँ पर वो सारे लोग टॉरिन की बात समझ जाते हैं और वो उस नए लीडर को पकड़ के उस क्रैब मॉन्स्टर के पास फेंक देते हैं जिससे वो क्रैब मॉन्स्टर उस नए लीडर को खा लेता है। यहाँ पर टॉरिन एक प्लान बनाता है कि हम उस मॉन्स्टर को आबादी वाले आइलैंड पर नहीं बल्कि एक ऐसे आइलैंड पर ले जाएंगे जो कि पूरी तरह से सुनसान होगा। ये सुनकर वो सारे लोग खामोश रहते हैं और कोई भी कुछ नहीं कहता। तब ये देखकर टॉरिन एक बार फिर से वोटिंग करता है और वो उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हें अलग अलग एक पेपर देता हूँ जिस पर अगर तुमने सर्कल बनाया तो हम उस क्रैब मॉन्स्टर को सुनसान आइलैंड पर ही ले जाएंगे, लेकिन अगर तुमने पेपर पर एक्स बनाया तो हम उस मॉन्स्टर को आबादी वाले आइलैंड पर ही ले जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आबादी वाले आइलैंड पर ले जाने का मतलब हजारों लोगों की मौत है। यहाँ पर सारे लोग वोटिंग करते हैं और अपने अपने पेपर डाल देते हैं और वोटिंग का रिजल्ट आने पर टॉरिन उन सभी से कहता है कि मैं इस वोटिंग के जरिए हम लोगों के बीच दो बुजदिल और डरपोक इंसानों को पहचानने में कामयाब रहा क्योंकि मैंने दो कागजों पर सीक्रेट निशान बनाया था जिससे मुझे ये पता चल गया है कि वो दो बुजदिल इंसान डरपोक इंसान कौन है। ये कहते ही वो उन दोनों इंसानों को गोली मार देता है। ऐसा करने के बाद वो उन दोनों को भी उस क्रैब मॉन्स्टर को खिला देता है। इसके बाद जब टॉरिन वहाँ पर बैठा होता है तो शिप के सारे लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रैब मॉन्स्टर टॉरिन को अंदर बुलाता है बात करने के लिए। फिर जब टॉरिन उसे मिलने के लिए अंदर जाता है तो क्रैब मॉन्स्टर उसे कहता है कि मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। जब टॉरिन साइड पर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर इस क्रैब मॉन्स्टर के बहुत सारे बच्चे भी हैं। तब यहाँ पर टॉरिन क्रैब मॉन्स्टर से कहता है कि तुम थोड़ा सब्र करो, परेशान ना हो, हम उस आबादी वाले आइलैंड पर बस पहुँचने ही वाले हैं। वापिस आकर टॉरिन अपने साथियों से कहता है कि मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बुरा टाइम बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तुम सब परेशान मत हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब टॉरिन सो रहा होता है तो उसके सारे साथी उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉरिन ने एक ट्रिक की थी, वो खुद वहाँ पर नहीं सो रहा था बल्कि उसने वहाँ अपनी जगह पिलोज रखे हुए थे। यहाँ टॉरिन पीछे से आकर उन सभी पर हमला कर देता है और एक एक करके उन सभी को शूट करके मार डालता है। फिर वो देखता है कि उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा है, यानी कि ये वो इंसान होता है जिसने टॉरिन पर हमला नहीं किया था। यहाँ पर टॉरिन उसे कहता है कि तुमने समझदारी की है, तुमने बड़ा अच्छा किया है जो उनके साथ नहीं मिले तुम, वरना तुम्हारा भी यही हाल होता। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी मरे हुए लोगों को उस क्रैब मॉन्स्टर को खिला देते हैं। यहाँ टॉरिन उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने वोटिंग पेपर पे कोई भी सीक्रेट निशान नहीं लगाया था क्योंकि उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे वैसे ही पता चल गया कि कौन डरपोक है और सभी लोगों ने एक्स लिखा था, यानी कि हम उस मॉन्स्टर को आबादी वाले आइलैंड पर ले जाएं जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ के सारे लोगों को खाता लेकिन इन लोगों को ना खाता, यानी कि उन्होंने यहाँ पर खुद गर्जी का मुजाहिरा किया था। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, किसी और के बारे में नहीं, यानी उन्हें उस आबादी वाले आइलैंड के लोगों की कोई भी परवाह नहीं थी और इसी वजह से मैंने उन सभी लोगों को ही मार दिया। इसके बाद टॉरिन सीधा उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि बस थोड़ा और सब्र करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं उस आबादी वाले आइलैंड पर। फिर टॉरिन वहां पर पड़े हुए तेल के जो डब्बे होते हैं उनको वो काट देता है। ऐसा करने के बाद वो उन पर आग लगा देता है जिससे होता ये है कि वहां पर आग लग जाती है। ये देखकर वो क्रैब मॉन्स्टर टॉरिन पर हमला करने लगता है, लेकिन टॉरिन बड़ी चालाकी से छोटी बोट लेकर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही शिप में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, शिप के साथ साथ वो क्रैब मॉन्स्टर भी उसमें जलकर मारा जाता है। तीसरे एपिसोड के स्टार्ट में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि दोनों दोस्त होती हैं। उनमें से एक का नाम मार्था था और वो दोनों एस्ट्रोनॉट थी और वो दोनों बस अपने स्पेसशिप की तरफ जा ही रही थी, लेकिन तभी उस जगह पर गर्मी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में मार्था की दोस्त मारी जाती है। फिर मार्था जब दोबारा से अपने स्पेसशिप से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसका कनेक्शन स्पेसशिप से बन नहीं पाता बल्कि लॉस्ट हो जाता है, और मुसीबत की बात तो ये होती है कि अब वो दोबारा
12 घंटों के बाद ही कांटेक्ट कर सकती है। और इससे भी बड़ी मुसीबत की बात ये होती है कि उसकी स्पेसशिप उससे काफी दूर होती है, तकरीबन 141 किलोमीटर दूर। मुसीबतें उसके लिए बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि उसका ऑक्सीजन अब खत्म हो रहा था। इसी वजह से वो अपने दोस्त के सूट से अपना ऑक्सीजन पाइप लगा देती है, जिससे कि अब उसे ऑक्सीजन मिलने लगती है और उसकी जान बच जाती है। और वो अपने दोस्त को कैरी करके वहाँ से ले जा रही होती है, लेकिन काफी दूर चलने के बाद मार्था की हालत काफी खराब होने लगती है। इसीलिए वो खुद को एक नशे का इंजेक्शन देती है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही होती है, उसे यही लगता है कि शायद उसकी दोस्त मरी नहीं है बल्कि अभी वो जिंदा है, क्योंकि उसे बार बार उसकी आवाजें आ रही थी। तो इसी वजह से जब वो कंफर्म करने के लिए चेक करती है तो देखती है कि उसकी दोस्त तो मरी हुई है। अब वो जैसे ही दोबारा से आगे बढ़ती है तो उसे एक बार फिर से आवाजें आने लगती है, और वो आवाज मार्था से कहती है कि तुम मुझे अपनी दोस्त समझ रही हो, मैं तुम्हारी दोस्त तो नहीं हूँ। असल में वो जो आवाज थी वो किसी तरह मार्था से बात करने की कोशिश करती है। आगे बढ़ने पर मार्था को काफी कमजोरी महसूस होती है, इसीलिए एक बार फिर से वो नशे का इंजेक्शन लेती है। और अब एक के बाद एक इंजेक्शन लेने की वजह से उसके अंदर साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, यानी कि उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसकी तबीयत चिड़चिड़ी होने लगती है। वजह ये थी कि उसे उस आवाज की वजह से काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वो आवाज मार्था को कहती है कि मार्था, असल में मैं एक मशीन हूँ, और असल में ये जो प्लेनेट है, ये पूरा प्लेनेट ही एक मशीन है, और जो यहाँ की सारी एनर्जी है वो तुम्हारे दोस्त की डेड बॉडी के अंदर जा रही है, क्योंकि ये मशीन काफी देर से उसके दिमाग को स्टडी कर रही थी। मार्था इतना थक जाती है कि वो वही जमीन पर ही गिर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोस्त दोबारा से खड़ी हो गई है, और अब वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि वो मार्था को उठाकर ही आगे बढ़ रही है। फिर मार्था की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है। चेक करने पर वो देखती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल काफी हद तक डाउन हो गया है, और जब उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है तो तब वो अपनी दोस्त से कहती है कि मेरी दोस्त, बताओ मुझे सच में, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। इसके बाद मार्था उस मशीन से कहती है कि क्या मेरी दोस्त सच में यहाँ पर मौजूद है। तब वो मशीन उसे कहती है कि हाँ, वो सच में यहाँ पर है। यहाँ वो मशीन मार्था को वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहती है, साथ ही साथ उसे कहती है कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन जो तुम्हारी सोल होगी वो मेरे साथ मिल जाएगी। ये सुनकर मार्था खुद को एक आखिरी नशे का इंजेक्शन लगाती है, और ये सोचते हुए वो वहाँ से नीचे जंप कर देती है कि या तो वो हमेशा के लिए जिंदा बच जाएगी या फिर ये उसकी जिंदगी का आखिरी टाइम है। मार्था के कूदते ही हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी बॉडी खत्म होती जा रही है। उसकी बॉडी के खत्म होते ही वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। वो एनर्जी ब्लास्ट पूरे चांद पर ही फैल जाता है, और यहाँ बाद में हमें पता चलता है कि मार्था हमेशा के लिए जिंदा बच गई है, और अब वो अपनी स्पेसशिप से भी कॉन्टेक्ट कर पा रही है, और मार्था पूरी तरह से उस मशीन के साथ जुड़ गई है। एपिसोड 4 की स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं। वो दोनों इस टाइम एक कब्रिस्तान में आए होते हैं, और जब भी वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी इनसे एक मूर्ति वहाँ पर गिर जाती है, लेकिन तभी आसमान से एक हरे रंग की रोशनी वहाँ पर आके गिरती है, जिससे होता यह है कि कब्रों से सारी डेड बॉडीज बाहर आ जाती है और ज़ॉम्बीज बन जाती है, और वो ज़ॉम्बीज उस कपल को काट लेते हैं। ये ज़ॉम्बीज तादाद में काफी ज्यादा थे, और अब वो तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो पूरे शहर में फैल जाते हैं, लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें काट कर अपने जैसा ही बना लेते हैं। और अब देखते ही देखते पूरे शहर में तबाही मच गई थी, तकरीबन पूरा ही शहर ज़ॉम्बीज़ से भर गया था। और जब गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने सोल्जर से कहकर इन सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं, जहां तेजी से सोल्जर सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। अब कुछ ज़ॉम्बीज़ केमिकल फैक्ट्री में घुस जाते हैं, और वहां पर केमिकल से भरा हुआ एक ट्रक वो पलट देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस केमिकल ब्लास्ट का रिएक्शन ये होता है कि वहां पर सारे ज़ॉम्बीज़ साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ उनके पास ये पावर आ गई थी कि वो मुंह से आग भी फेंक रहे थे। अब हालात को अपने हाथों से निकलता हुआ देखकर गवर्नमेंट एक काफी सख्त एक्शन लेती है, यानी कि पूरे अर्थ पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ ही तबाह हो जाती है। एपिसोड 5 की स्टार्ट में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपने एक मिशन पर आए होते हैं, लेकिन तभी जो उनका लीडर होता है वो अपनी दूसरी टीम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी टीम की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और इसीलिए जब वो चेक करने के लिए ऊपर जाते हैं तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उनकी दूसरी टीम के सारे लोग मारे जा चुके थे, सारे सोल्जर्स, एक भी जिंदा नहीं बचा था। तभी उनके सामने एक भालू आता है जो कि असल में एक रोबोट था, और कोई आम रोबोट नहीं बल्कि किलर रोबोट था वो, और यही वो था जिसने इनकी दूसरी टीम को मारा था। और अब ये किलर रोबोट इन पर भी हमला करने लग जाता है, और वो इस टीम के भी कुछ सोल्जर्स को मार डालता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है जिसके हाथ में एक डिवाइस होता
करती है, उस डिवाइस से एक आवाज निकल रही होती है। अब इस आवाज को सुनकर वो भालू यानी कि रोबोट वहाँ से भाग जाता है। तब यहाँ पर वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि असल में मैं एक फोर्स का साइंटिस्ट था और यहाँ इस पहाड़ पर एक सीक्रेट जगह है और वहाँ पर ही ये भालू रहता है। गवर्नमेंट ने इस जगह को एक हमले के बाद बनाया था और वो रोबोट बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, यानी कि सच में वो एक किलर रोबोट है और वो इतना खतरनाक है कि उसे किसी बॉम्ब से भी खत्म नहीं किया जा सकता और गोलियों का तो उस पर कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो काफी एडवांस्ड रोबोट है। फिर जब ये साइंटिस्ट इन सभी को उस सीक्रेट जगह पर लेकर पहुंचता है तो ये देखते हैं कि उस किलर रोबोट ने यहाँ पर तबाही मचाई हुई है, यहाँ के सारे लोगों को भी उसने बड़ी बेदर्दी से मारा होता है। अब ये देखकर उन सभी को काफी दुख भी होता है और काफी गुस्सा भी आता है उस भालू पर, इसलिए वो यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो वो उस भालू को नहीं छोड़ने वाले, वो उसे मार कर ही रहेंगे। अब इस मकसद के लिए वो साइंटिस्ट उन सभी को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार थे और यहाँ पर एक और रोबोट भी होता है जो कि एक अच्छा रोबोट था, यानी कि वो बिल्कुल सेफ था और इसका नाम सेफ रोबोट था। अब इस रोबोट को इसी मकसद के लिए बनाया गया था ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। इसके बाद वो सारे सोल्जर्स हथियार उठाकर उस किलर रोबोट को मारने के लिए अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचते हैं और जब वो साइंटिस्ट उस किलर रोबोट को वहां पर बुलाता है तो वो फौरन से वहां पर आ जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। वो इतना अग्रेसिव होता है कि वो साइंटिस्ट को मार डालता है। ये देखकर वो सेफ रोबोट उस भालू पर हमला करने लगता है और अब ये भालू यानी कि किलर रोबोट उस सेफ रोबोट को भी मार डालता है। ये किलर रोबोट इतना ज्यादा पावरफुल था कि सोल्जर्स के अटैक का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब हालांकि सोल्जर्स गन से आरपीजी से उस पर हमला कर रहे थे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो किलर रोबोट बंद हो जाता है और सीधा आकर उन सोल्जर्स के सामने गिरता है, जहां उनमें से एक सोल्जर को यही लगता है कि शायद अब ये किलर रोबोट खत्म हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से वो किलर रोबोट उठता है और उसकी टांग को काट लेता है और अब वो एक एक करके बाकी सोल्जर्स पर भी हमला करने लगता है। अब यहाँ पर वो लीडर उस किलर रोबोट पर एक आरपीजी से पावरफुल अटैक करता है जिससे अब वो भालू दो हिस्सों में टूट जाता है, लेकिन अब भी वो रुकता नहीं है बल्कि वो अभी भी एक सोल्जर को मारने वाला होता है। लेकिन तब ये देखकर लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो उस रोबोट के सर पर बार बार हमला करके फाइनली उसे मार डालता है और अब यहाँ पर उसे यही लगता है कि ये मिशन यहाँ पर खत्म हो गया है। लेकिन तभी उस किलर रोबोट से एक बॉम्ब बाहर निकलता है जिससे कि वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है जिसमें के सारे बचे हुए लोग भी मारे जाते हैं। एपिसोड 6 के स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि स्पेस में अलग अलग स्पीशीज के पास जाते हैं ताकि वो उन स्पीशीज से उनकी नॉलेज को सीख सके। अब उनसे नॉलेज लेने के बाद वो सीधा आते हैं एक जगह पर जिसका नाम स्वॉर्म होता है। स्वॉर्म का मतलब असल में झुंड होता है, यानी इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट्स और क्रिएचर्स रहते हैं एक झुंड की शक्ल में। वहां पहुंचकर वो डॉक्टर एक नर्स से मिलते हैं। यहां पर वो नर्स उस डॉक्टर को बताती है कि मैंने तकरीबन 15 से भी ज्यादा एलियन स्पीशीज को ढूंढा है और वो सारी स्पीशीज यहीं पर ही रहती हैं इन्हें स्वॉर्म में। तब वो नर्स उस डॉक्टर को इस स्वॉर्म के और अंदर लेकर जाती है। अंदर पहुंचकर वो डॉक्टर देखता है कि वहाँ पर एक क्वीन है और इस क्वीन को जैसा भी वर्कर चाहिए होता है अपने काम के लिए वो वैसा ही बना लेती है, जैसे कि कुछ वर्कर्स उसके लिए खाना लाते हैं और कुछ वर्कर्स उसके गार्ड्स होते हैं जो कि उसकी हिफाजत करते हैं। यहाँ वो नर्स उस डॉक्टर से पूछती है कि अब मुझे आप अपना असली मकसद बताइए यहाँ पर आने का। तब वो डॉक्टर कहता है कि मैं बस यहाँ पर एक क्वीन का सैंपल लेने आया हूँ ताकि इंसान अपनी एक एडवांस्ड क्वीन बना सके जिसकी मदद से इंसान हजारों वर्कर्स को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। अब पहले तो वो नर्स इस चीज के लिए राजी नहीं होती लेकिन फिर बाद में वो उस डॉक्टर की बात मान लेती है क्योंकि वो डॉक्टर उसे कहता है कि ये सारे क्रिएचर्स कोई जानदार थोड़ी है बल्कि ये तो मशीन्स हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्रिएचर्स इस क्वीन के लिए यानी कि इस स्वॉर्म के लिए काम करे या फिर हमारे लिए इंसानों के लिए। इसके बाद वो डॉक्टर अपने पांव से एक केमिकल निकालता है, यानी एक ऐसा केमिकल जिससे किसी भी जानवर को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर वो उस केमिकल को कुछ वर्कर्स यानी कि कुछ क्रिएचर्स पर लगाकर उन्हें अपने कंट्रोल में करके क्वीन का एक अंडा हासिल कर लेता है जो कि उसका सैंपल था। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है और कुछ वर्कर्स यानी कि क्रिएचर्स आकर उस डॉक्टर को बताते हैं कि उस नर्स को पकड़ लिया गया है। फिर जब ये डॉक्टर उस तरफ जाने लगता है तो बहुत सारे वॉरियर स्पीशीज उन वर्कर्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक एक करके मार डालते हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर होता है वो उनसे बचकर भाग रहा होता है। लेकिन वो सारे वॉरियर स्पीशीज आकर एक साथ ही उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वो उसे मार कर बेहोश कर देते हैं, जहां उसे बाद में स्वॉर्म की रानी के पास ले जाया जाता है। असल में इस रानी ने उस नर्स पर अपने टेंटिकल्स चुबा कर उसे कंट्रोल कर लिया था और वो इसी नर्स के जरिए उस डॉक्टर से बात कर रही थी। यहां वो उस डॉक्टर को बताती है कि मैं इस स्वॉर्म की रानी हूं और मैं पहले से यहां पर नहीं हूं बल्कि मुझे बनाया गया है। असल में तुम दोनों ने यानी कि इस नर्स ने
और तुमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे हुआ ये कि जेनेटिक प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गए, जिसके नतीजे में मैं बन गई यानी कि इस वॉर्म की रानी। और मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं बहुत ही अकलमंद हूँ। अब बेशक मैं हमेशा रहने वाली नहीं हूँ, कुछ हफ्तों की मेहमान हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर लाखों सालों की यादें हैं। असल में लाखों साल पहले एलियन स्पीशीज ने एक रानी पर हमला किया था, लेकिन उस टाइम वाली वो रानी कमजोर थी, इसीलिए वो उनसे लड़ नहीं सकती थी। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम जो रानियां होती हैं वो समझदार होती हैं, तो उस रानी ने भी समझदारी की और एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक उस रानी ने उस सारी एलियन स्पीशीज को अपना गुलाम बना लिया। और अब मेरी ये वाली ऑफर इंसानों के लिए है, साथ ही साथ मैं इंसानों को चैलेंज भी करती हूँ कि अगर उन्होंने भी मुझ पर अटैक किया तो मैं उनको भी अपना गुलाम बना लूँ। लेकिन इसके बावजूद भी वो डॉक्टर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, इंसान तुम्हारे गुलाम कभी भी नहीं बनेंगे। तो वो रानी कहती है कि उम्मीद है, चलो देखते हैं, लेकिन मुझे ये सारी बातें याद रहेंगी। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हम एक किसान को देखते हैं जिसकी एक काफी बड़ी फैक्ट्री भी थी, जहाँ पर चूहे उसकी सारी खाने की चीजों को बर्बाद कर रहे थे, खराब कर रहे थे। अब यहाँ पर वो किसान उन चूहों को मारने के लिए, उनको भगाने के लिए अपनी फैक्ट्री में जाता है। फिर वो एक चूहे को मार देता है और जब वो उस चूहे को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल चूहा नहीं है, बल्कि ये तो अलग है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे चूहे आकर उस किसान पर हमला कर देते हैं, तो इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और वो फौरन चूहे मारने वाली कंपनी को कॉल कर देता है, जहाँ कंपनी का ओनर उस किसान को बताता है कि इंसानों ने पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर दिया है, इसीलिए इंसान इन हालात के मुताबिक, इसी वजह से जो जानवर है वो इन हालात की वजह से खुद को ढाल रहे हैं। यहाँ कंपनी वाले उस किसान को लेजर देते हैं उन चूहों को मारने के लिए, जहाँ 4 लेजर उसे अपनी फैक्ट्री में लगानी है। फिर जब उस लेजर को स्टार्ट किया जाता है तो वो लेजर उस किसान की बिल्ली को ही मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लेजर एक एक करके उन सारे चूहों को मार रही है, लेकिन वो चूहे काफी चालाक थे, वो उन सभी लेजर्स को एक एक करके खराब करते जा रहे थे। इसीलिए अब दोबारा से वो किसान कंपनी वालों को कॉल करता है। तब कंपनी वाले उस किसान को बताते हैं कि ये कोई आम चूहे अब नहीं रहे, बल्कि ये चूहे काफी तेज, काफी चालाक हो गए हैं। इसीलिए कंपनी वाले उस किसान को एक किलर रोबोट देते हैं उन चूहों को मारने के लिए, और ये किलर रोबोट दिखने में बिल्कुल किसी बिच्छू की तरह ही दिख रहा था। ये किलर रोबोट आते ही चूहों को मारने लगता है और बहुत सारे चूहों को वो मारने में कामयाब भी रहता है। फिर एक दिन जब वो किसान अपनी फैक्ट्री में जाता है तो वो देखता है कि उस किलर रोबोट और उन चूहों के बीच जंग हो रही है, जहाँ पर पहले तो किलर रोबोट उन पर भारी पड़ रहा था और उसने बहुत सारे चूहों को मार दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो चालाक चूहे नहीं रुकते, बल्कि वो उसे लड़ाई करते जा रहे थे। फिर वो सारे चूहे उस किलर रोबोट पर एक साथ हमला करके उसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं और डैमेज कर देते हैं पूरी तरह से। लेकिन इसके बावजूद भी वो किलर रोबोट नहीं रुकता, बल्कि वो उन चूहों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो किसान वहाँ पर आकर उस किलर रोबोट को ही गोली मार के खत्म कर देता है और वो उन चूहों से कहता है कि बस भी कर दो, बहुत हो गया खून खराबा, अब छोड़ो इसे। यहाँ वो किसान उन चूहों से दोस्ती कर लेता है, जिसके बदले में वो चूहे उस किसान को पीने के लिए ड्रिंक देते हैं। अब ये ड्रिंक कड़वी तो होती है, लेकिन पीने में मजा आ रहा था उसे। फिर एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं, जहाँ पर कुछ टेररिस्ट एक प्रिजनर को पकड़ के एक केव में ले जा रहे थे। यहाँ पर इन सोल्जर्स का मिशन ये होता है कि वो उन टेररिस्ट से उस प्रिजनर को बचा लें। अब वो सारे सोल्जर्स अपने मिशन के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और केव में जाके पहुंचते हैं। अब केव में अंदर जाने के बाद उन्हें अजीब सा लिक्विड मिलता है और जब वो अंदर बढ़ते हैं तो उन्हें उसी प्रिजनर की डेड बॉडी वहां पर दिखाई देती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। और आसपास चेक करने पर उन्हें उन टेररिस्ट की डेड बॉडीज भी मिल जाती है और उनकी डेड बॉडीज का भी यही हाल था, यानी कि उनकी बॉडीज पर मांस का एक टुकड़ा तक नहीं था, बल्कि इतनी जल्दी ही उनकी बॉडीज स्केलेटन में बदल गई थी। लेकिन तभी इनके सामने बहुत सारे खतरनाक कीड़े आ जाते हैं और ये वही कीड़े होते हैं जिन्होंने इन सभी की बॉडीज का ये हाल किया था। और अब ये सारे कीड़े एक साथ आकर उन सोल्जर्स पर भी हमला करने लगते हैं। उनमें से वे कुछ सोल्जर्स को अपना खाना भी बना लेते हैं, यानी वो उनको भी इसी तरीके से, और उनमें से वो कुछ सोल्जर्स को मार भी देते हैं सेम वैसे ही, यानी कि वो इनकी बॉडीज पर भी मांस नहीं छोड़ते। फिर बचे हुए सोल्जर्स जब इन कीड़ों से बचने के लिए केव में और अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर जाकर एक काफी बड़ा मंदिर मिलता है, जो कि असल में एलियंस का था। और अब यहां तक वो कीड़े उनका पीछा
नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कीड़े केव के सिर्फ उसी एरिया में थे। लेकिन तभी उनमें से एक फीमेल सोल्जर देखती है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक दूसरा रास्ता भी है। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे किस्म के कीड़े उन पर एक बार फिर से हमला कर देते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर एक और सोल्जर मारा जाता है और अब जिंदा बचने वाला सिर्फ एक सार्जेंट था और एक फीमेल सोल्जर थी। और तभी इन दोनों को केव के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। अब जो सार्जेंट होते हैं वो उस आवाज की तरफ खींचे ही चले जाते हैं। फिर जब वो फीमेल सोल्जर भी सार्जेंट के साथ अंदर जाती है तो अंदर जाने पर इन्हें काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि काफी खतरनाक दिख रहा था और उसे चेन से बांधा गया था। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और उन दोनों को हिप्नोटाइज करने लगता है और वो उन दोनों से कहते हैं कि मुझे आजाद कर दो। लेकिन तभी उस फीमेल सोल्जर को ये विजन्स आने लगते हैं कि अगर उन्होंने इस मॉन्स्टर को आजाद कर दिया तो ये जमीन पर रहने वाले सभी इंसानों को मार देगा और तबाही मचा देगा। लेकिन यहाँ इस मॉन्स्टर ने उस सार्जेंट को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लिया था, इसीलिए सार्जेंट उस मॉन्स्टर को आजाद करने के लिए वहाँ पर ब्लास्ट करता जा रहा था। तब ये देखकर वो फीमेल सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सार्जेंट उस पर भी हमला करने लगता है, जहाँ ना चाहते हुए भी उस फीमेल सोल्जर को उस सार्जेंट को मारना ही पड़ता है और वो उसे मार डालती है। अब वो मॉन्स्टर दोबारा से उस फीमेल सोल्जर को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगता है लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उस फीमेल सोल्जर ने अपनी हालत काफी बुरी कर ली है। उसने अपनी आंखें निकाल ली है और अपने कानों को भी फोड़ लिया है। ये सब कुछ उसने हिप्नोटाइज होने से बचने के लिए किया था। अब उसने खुद के साथ तो ऐसा कर लिया था लेकिन उस मॉन्स्टर को आजाद नहीं किया था। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से गुजरकर आगे बढ़ रहे थे और वो उस टाइम एक विच को मारने के लिए जा रहे थे जो कि काफी खतरनाक थी। अब उन सोल्जर्स में एक सोल्जर ऐसा भी था जो कि ना तो सुन सकता था और ना ही वो बोल सकता था। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर एक नदी के पास जाता है तो उसे सोने का एक टुकड़ा वहाँ पे मिलता है। अब यहाँ इन सोल्जर्स पर काला जादू किया जा रहा था ताकि ये सभी उस विच को मार दें। लेकिन तभी वो विच नदी से बाहर आती है डांस करते हुए और इस विच की पूरी बॉडी सोने से, हीरों से और कीमती चीजों से भरी होती है। लेकिन तभी वो विच जोर जोर से चिल्लाने लगती है, साथ ही साथ वो चिल्लाकर तेजी से डांस भी कर रही होती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे सोल्जर्स की धड़कनें तेज होने लगती है। अब एक तरह से वो उस विच के कंट्रोल में आ गए थे, इसीलिए वो भी सेम उसी की तरह डांस करने लगते हैं और अब वो तेजी से उस विच की तरफ ही बढ़ रहे थे। और यहाँ वो विच चुप नहीं होती, वो जोरों से चिल्लाती रहती है और वो डांस करके उन सभी सोल्जर्स को अपने पास से बुला रही थी। और यहाँ वो सारे सोल्जर्स अपनी अपनी तलवारों को निकालकर आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं और अपने साथी सोल्जर्स को मारने के बाद वो आगे बढ़ रहे थे। अब मरने वाले सारे सोल्जर्स एक एक करके नदी में डूबने लगते हैं और अब ये विच उस सोल्जर पर भी अपनी आवाज का इस्तेमाल करती है, यानी कि वो सोल्जर जो कि सुन नहीं सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसकी आवाज का उस सोल्जर पर कोई भी असर नहीं होता। अब ये देखकर वो विच काफी घबरा भी जाती है और परेशान भी हो जाती है कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, मेरी पावर चली तो नहीं गई। लेकिन ये सोल्जर काफी डरपोक होता है, वो उस विच को देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने पर वो एक ट्री से टकरा जाता है और वहीं पर ही गिर के वो बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही उस सोल्जर की आँख खुलती है तो वो रात गुजारने के लिए एक जगह पे आके बैठ जाता है। फिर जब उसे नींद आती है तो वो सो जाता है और वो विच यहाँ पर उस सोल्जर के पास आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये विच इस सोल्जर के लिए पागल हो गई थी, यानी कि वो इसे पसंद करने लगी थी और वो उस सोल्जर को बड़े ही गौर से देखने लगती है। और रात को जब उसे नींद आती है तो वो उसी के पास ही सो जाती है। फिर अगली सुबह जैसे ही उस सोल्जर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ एक लड़की सोई हुई है जो कि सोने से, कीमती खजाने से भरी हुई है। लेकिन तभी वो विच सोल्जर को देखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो सोल्जर उसका पीछा करता है क्योंकि इस सोल्जर ने उसकी बॉडी पर इतना सारा सोना जो देख लिया था, इसी वजह से वो लालच में आ गया था। इसीलिए वो उस विच का पीछा करते करते एक वाटरफॉल के किनारे तक आ जाता है और इसीलिए वो उस विच का पीछा करते करते एक वाटरफॉल के किनारे पर आ जाता है, जहां वो विच उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि अब वो उसे और ज्यादा पसंद करने लगती है। तब इसी चीज का फायदा उठाकर वो सोल्जर उस विच को बेहोश कर देता है और उसकी बॉडी से सारा सोना, सारे हीरे, सारी कीमती चीजें निकाल लेता है और इस वजह से उस विच का बहुत सारा खून बह चुका था। अब उसकी बॉडी से सारा सोना निकालने के बाद वो सोल्जर उसकी बॉडी को पानी में
फेंक देता है मरने के लिए। फिर वो इतना सारा सोना कीमती चीजें लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब उस विच की बॉडी नदी में थी और उसके खून निकलने की वजह से उस पूरी नदी में खून ही खून फैल जाता है। फिर जब उस सोल्जर को प्यास लगती है तो वो उसी नदी का यानी कि खून वाली नदी का पानी पीता है और पानी पीते ही वो बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही उस सोल्जर को होश आती है तो उसे सुनाई भी दे रहा था और वो बोल भी पा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत खराब हो गई थी। वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। इसके बाद हमें वो विच दिखाई जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपनी बॉडी को देखने लगती है। वो देखती है कि उसकी बॉडी से सारा सोना सारे हीरे कीमती चीजें उतार ली गई हैं। उसे काफी दुख होता है अपनी बॉडी की ऐसी हालत देखकर। फिर इसके बाद जब उस विच की नजर उस सोल्जर पर पड़ती है तो वो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और अब इस सोल्जर के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि बाकी सोल्जर्स के साथ हुआ था। यानी कि विच की आवाज सुनते ही वो भी डांस करने लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब उसे सुनाई देने लगा था। अब डांस करते करते वो सोल्जर पानी के काफी नीचे चला जाता है और बाद में पानी में डूबने की वजह से उस सोल्जर की मौत हो जाती है। अब इसी के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको इन सभी में से सबसे अच्छा एपिसोड कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।